हेलो दोस्तों, देखिए आज एक फ्रिज में प्रॉब्लम आया है। इसका लाइट नहीं जल रहा है, ये बिल्कुल लाइट नहीं जल रहा है। और ये कंपनी है सैमसंग का, ये सैमसंग का कंपनी का है देखिए, जो कि इसमें कोड भी लगाया हुआ है और स्विच भी दिया हुआ है। जी आप लोग को दिखाते हैं, देखिए लाइट नहीं जल रहा है। साग सब्जी रखा हुआ है तो रहने दीजिए। सबसे पहले इसको यहाँ से प्लग को निकालते हैं बाहर, जैसे यहाँ से बाहर निकाल दिए। उसके बाद में इसको कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, ये दबता है तो ये अगर दब जाएगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा, और ये बाहर निकलता है ये स्विच तो ऑन होता है। तो ये तो फिलहाल अभी सही दिख रहा है, पर सबसे पहले इसका यहाँ पर मैं इसको निकालते हैं बाहर। देखिए अच्छी तरह से निकालना पड़ेगा, देखिए बाहर निकाल लिए। उसके बाद में एक यहाँ दिया हुआ है जो ये बॉल है, इसको दबाना है, प्रेस करके हल्का दबा के निकाल लिया तो निकल जाएगा। आ देखो ये निकल गया, तो यहीं रख देता हूँ। और ये बॉल्ब है, सबसे पहले बॉल्ब को देखना पड़ता है, क्योंकि घर का बॉल्ब फ्यूज हो जाएगा तो सबसे पहले वायरिंग नहीं देखना पड़ता, पहले बॉल्ब को देखना पड़ता है, बॉल्ब कहीं तो फ्यूज नहीं है। इसी तरह इसका भी सबसे पहले बॉल्ब को बाहर निकाल रहे हैं, ये थ्रेड लगा हुआ रहता है, ऐसे निकालिएगा घुमा के, ये निकल गया देखिए। तो ये बॉल्ब लग रहा है फ्यूज हो गया है, ब्लैक हो गया है, तो दूसरा लगा के देखते हैं। तो मेरे पास में ऑलरेडी एक है, इसको सबसे पहले निकालते हैं बाहर। हाँ देखो इसको निकाल दिए बाहर, अब इसको यहाँ से फिर लगाते हैं। देखिए यहाँ इसको लगा दीजिएगा, इसी तरह राइट साइड घुमा के लग जाएगा, लेफ्ट में खुलता है और राइट में ये लग जाता है। दाहिने साइड में घुमाइएगा लग जाएगा, बाएं साइड घुमाइएगा ये खुल जाता है। तो एक बार देखते हैं इसको स्विच देख के, देखिए फिर यहीं पे इसको प्लग को इन करते हैं और ये स्विच दे दिए। अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए दोस्तों इसका बॉल ही फ्यूज हुआ था, और ये स्विच को भी देखना पड़ता है, स्विच कहीं अगर दब के लॉक हो जाता है, इसे दब के लॉक हो जाएगा, जिसे हम दबा दिए, देखिए ये दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। और देखो अगर ये दबा हुआ रह जाए कहीं तरह किसी तरह से फंस जाएगा ना, तो आपको पहले यहाँ भी देखना पड़ेगा स्विच कहीं ख़राब तो नहीं है, दबा हुआ तो नहीं, इसको भी देखना पड़ता है। इसी तरह से आप लोग इसका बल्ब को लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको भी ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद क्या है, इसको जैसे था वैसे ही इसको प्रेस करके फिर इसको यहाँ बैठा देना है, ये बैठ गया। उसके बाद में इसको जैसा था वैसा फिर यहाँ इसको देखिए इसी तरह से इसको आराम से लगा देना है, ये बैठ गया, ये बैठ गया। अब इसको फिर ये स्विच को यहाँ ये लगा देते हैं, स्विच ये दे दिए। अब देखते हैं फिर, देखिए इसी तरह से आप लोग बॉल्ब, इसका बॉल्ब चेंज कर सकते हैं, आसान तरीका है, बॉल्ब का ज़्यादा कीमत नहीं रहता है, 40-50 रुपया मिल जाता है यही। तो बस अब इस वीडियो को देखिए और
घर में ही काम कीजिए, किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।